कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का सबसे सकारात्मक प्रभाव दिखना आरंभ हो गया है तथा काशी अयोध्या व उज्जैन ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब कश्मीर में भी ऐतिहासिक मंदिर होने वाला है जनता को समर्पित। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको स्वतंत्रता पश्चात ही नष्ट कर दिए गए कश्मीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका वर्णन प्रत्येक हिंदू कर्मकांड में होता है तथा इस मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ इसके इतिहास व वर्तमान परिस्थिति की भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात कश्मीर घाटी कई परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं तथा कश्मीर की सीमा से सटे टीटवाल में नवनिर्मित माता शारदा का मंदिर अब जनता को समर्पित होने वाला है। शारदा मंदिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी देते हैं। बता दें कि कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक शारदा पीठ मंदिर लगभग 5000 वर्षों से अधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है। शारदा पीठ मंदिर अमरनाथ व अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर की ही प्रकार से कश्मीर समेत पूरे भारत के लिए श्रद्धा का केंद्र है, परंतु इस मंदिर की वर्तमान स्थिति आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी दयनीय है। शारदा पीठ का अर्थ है माता शारदा का स्थान। शारदा देवी माता सरस्वती का ही एक नाम है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का दाहिना हाथ इस स्थान पर गिरा था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसे देवी शक्ति के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना गया है। शारदा पीठ मंदिर का धार्मिक आस्था के साथ ही शैक्षणिक महत्व भी है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक शारदा पीठ भी था, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास किशन गंगा अर्थात नीलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर से लगभग 124 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। शारदा देवी मंदिर में पिछले 70 वर्षों से विधिवत पूजा नहीं हुई है। आज भी देश भर के ब्राह्मण पंडित कर्म कांड के समय शारदा पीठ को नमन करते हैं। शारदा पीठ मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देते हुए बता दें कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार शारदा पीठ मंदिर को महाराज अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार शारदा पीठ का निर्माण महाराज ललिता दित्य मुक्ता पीढ़ी ने आरंभ कराया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात ही देश को विभाजन का गहरा घाव लगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध पश्चात शारदा पीठ मंदिर भी पाकिस्तान के नियंत्रण में ही रह गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदा पीठ शाक्य संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। यही नहीं, विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित शारदा पीठ में आदि शंकराचार्य और वैष्णो संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने साधना कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी। इतिहास व महत्व की जानकारी देने के पश्चात आइए अब हम आपको शारदा मंदिर पर नवीन जानकारी देते हैं। एलओसी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर के टिटवाल गांव में आजकल बहुत सारी गतिविधियां होती देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में टिटवाल नियंत्रण रेखा के पास प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का जो कार्य आरंभ हुआ था, अब वह पूर्ण होने वाला है। पिछले वर्ष ही हमने आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी थी तथा आज हम आपको नवीन व वर्तमान परिस्थिति की विशेष जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि सेव शारदा कमेटी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शारदा पीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को आरंभ करने के लिए किया जा रहा है। शारदा यात्रा मंदिर समिति कश्मीर में टिटवाल क्षेत्र में एलओसी पर प्राचीन शारदा मंदिर का निर्माण कार्य करवा रही है। समिति ने भूमि के सीमांकन के पश्चात दिसंबर 2021 में इस परियोजना की नींव रखी थी। सेव शारदा कमेटी के प्रमुख रविंदर पंडिता के अनुसार शारदा मंदिर की प्लानिंग और मॉडल को पहले ही श्रृंगेरी दक्षिणी मठ की ओर से अनुमोदित किया जा चुका है। शारदा मंदिर के प्रयोग में होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को
कर्नाटक के बिदादी में उकेरा गया है। महत्वपूर्ण है कि इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया जा रहा है। यह मूल रूप से शारदा मंदिर का आधार शिविर है, यहीं से यात्रा आरंभ होगी। तीर्थ यात्रियों को यहीं से पीओके ले जाया जाएगा। यही आधार शिविर यात्रा का पारंपरिक मार्ग होगा। जानकारी के लिए बता दें कि 1947 में विभाजन के पश्चात प्राचीन शारदा पीठ मंदिर और उसके परिसर तथा गुरुद्वारा भी आदिवासी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए थे। तब से यह भूमि वीरान पड़ी हुई थी एवं स्थानीय मुसलमानों के पास थी, जिसे उनसे प्राप्त कर लिया गया है। उत्तरी कश्मीर के इस टिटवाल गांव में मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा और मस्जिद का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि अब पूर्णता की ओर अग्रसर है और अब प्रतिमा की स्थापना की तैयारी है। मंदिर के उद्घाटन व वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के स्वरूप माँ शारदा की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा की प्रतिष्ठा 22 मार्च 2023 को उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा के अग्रिम छोर पर किशन गंगा नदी के किनारे टिटवाल में नव निर्मित मंदिर में होगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि श्रृंगेरी पीठ में कर्नाटक से माँ शारदा देवी की पंच धातु की प्रतिमा का विशेष विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया तथा विशेष आयोजन भी यहाँ पर किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण लोगों का आगमन भी हुआ। माता की प्रतिमा को कर्नाटक से कश्मीर लाया जा रहा है एक विशेष वाहन में, और इस वाहन को माता का रथ जैसा स्वरूप दिया गया है। बता दें कि पंचधातु की मूर्ति को 24 जनवरी को कर्नाटक के श्रृंगेरी से कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास टिटवाल के लिए निकाला गया है, और इस यात्रा को भी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा का रूप दिया गया तथा इस यात्रा को 24 जनवरी को श्रृंगेरी से आरंभ होकर बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू और कुपवाड़ा के रास्ते टिटवाल लाया जाना है। अब यहां पर मूर्ति यात्रा 20 मार्च को कुपवाड़ा के टिककर से टिटवाल पहुंच जाएगी। देवी पूजा के 9 शुभ दिनों में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च को नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर हम यह भी बता दें कि इस कार्य में मानसिक व शारीरिक के साथ धन की भी आवश्यकता है, तो यदि आप भी इस कार्य में अपना योगदान देना चाहें तो मंदिर कमेटी को सीधा योगदान कर सकते हैं। अत्यंत संक्षिप्त में आपको सरलता पूर्वक समझाने के लिए यदि हम अपना दृष्टिकोण रखें तो शारदा महाशक्ति पीठ कश्मीर के शारदा घाटी में स्थित है, जो कि वर्तमान में पीओके, जिसे कि पाकिस्तान ने भारत की भूमि को तथा कथित आजाद कश्मीर घोषित कर रखा है, वहां से भारतीय नियंत्रण से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टिटवाल नामक स्थान पर सेव शारदा कमेटी नामक संस्था की ओर से एक पुरानी आस्था के स्थान पर ही नवीन मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां से भविष्य में मुख्य शारदा महाशक्ति पीठ मंदिर तक दर्शन यात्रा निकलेगी एवं एलओसी पार कर नीलम वैली रोड के माध्यम से लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए मुख्य मंदिर पहुंचेगी। हमें प्रतीक्षा रहेगी कि टिटवाल में एक मंदिर के निर्माण के पश्चात मुख्य मंदिर अर्थात शारदा महाशक्ति पीठ का भी जीर्णोद्धार शीघ्र हो, क्योंकि मुख्य मंदिर की अवस्था तो किसी खंडहर से कम नहीं है एवं वह स्थान पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पर आप अपने विचार हमें लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई शारदा महाशक्ति पीठ की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने गांव अथवा जिले का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदा।